इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई खंडर भी नहीं है, यहाँ तैयार हो रहा है देश का भविष्य। यही है ज़िंदगी के एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ यमुना बैंक के मेट्रो स्टेशन के एक पिलर के नीचे, जहाँ बहुत से बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैंने यहाँ पर 5वीं क्लास तक के लिए यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन के लिए 2 घंटे के लिए व्यवस्था बनाई है। अंदर जो है जगह समय आने पर बार बार जो है DDA वाले परेशान करते थे कि तोड़ो, और कई एक बार तोड़ भी दिया, डैमेज भी हो गया। तो यह मेट्रो के नीचे में यहाँ पर आया तो इसलिए खाली आया हूँ कि यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जगह मिल जाती है थोड़ी सी। वन टू थ्री से लेकर ABC तक, नल फल चक से लेकर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन तक, यहाँ एक छत के नीचे हर स्तर की शिक्षा दी जाती है। तो चलिए आइए बात करते हैं इनके मार्गदर्शक राजेश जी से और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पर जो है 1.5 साल करीब हुआ जा रहा है यहाँ मेट्रो के नीचे। इससे पहले जो है मैं जंगल में भीतर जो है चलाता था, वहाँ उस समय को मिला करके करीब 3 साल करीब यहाँ पर हो गया। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए निकल आया इधर को, तो मैंने देखा यहाँ बच्चे जो है ऐसे ही कनम में मिट्टी धूल में खेल रहे थे। तो इनके माँ बाप से मैंने बोला कि भाई आप जो है स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो, इनको यहाँ पर खेलते रहते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में जो भी शिक्षा फ्री दी जा रही है, फिर यहाँ पर आप लोगों के तो टाइम जो है कनम है कट गए, इन बच्चों के भविष्य ख़राब कर रहे हो। इनके लिए तो आप सोचो दिल्ली में पढ़े किसके लिए हो, इसी मकसद को तो पूरा कम से कम करो। आपने तो रिक्शा चला के अपना टाइम बर्बाद कर दिया और घर की भी स्थिति आपकी ऐसी है। तो कुछ माँ बाप को जो है मेरी बात का प्रभाव पड़ा और उन्होंने जो है बोला कि सर जी यहाँ पर कौन आएगा, कौन पढ़ाएगा, तो आप ही का नाम है यहाँ पर आ जाया करो। तो मैंने कहा, पहले तो मैंने मना करा कि भाई देखो कैसे का नाम है आ पाऊँगा मैं और कैसे यहाँ पर काम कर पाऊँगा, मैं भी अपना कोई काम करता हूँ भाई, कैसे का नाम है चलेगा। फिर मेरे मन में घर जा कर के कुछ ऐसे विचार आए कि इन बच्चों के साथ में अगर हम 1 घंटा या आधा घंटा दे दें तो का नाम है हमारा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हमको डेली यहाँ पर आना जाना है ये। तो इस बहाने से मेरी भी सैर हो जाएगी इधर आने की जंगल में, सुबह जो है स्वास्थ्य भी सही रहेगा और उसके साथ में बच्चों को मार्गदर्शक मिल जाएगा। यह है वो बच्चों की टोली जो यहाँ पढ़ने आती है। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं क्या सपने हैं इनके अपने भविष्य को लेकर। मेरा नाम अभिषेक है, मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा हूँ। पहले मैं घूमता था, अब मैं स्कूल जाता हूँ और मैं 7th क्लास में हूँ। और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय मंडल है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर पहले कहीं स्कूल नहीं जाता था, मैं यहाँ पर 4 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे पापा बिलदारी का काम करते हैं और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम सुकांत है, मैं 6th में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे 2 महीने से पढ़ता हूँ और मेरे पापा यहाँ फूल लगाते ऑफिस में और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो उसी ध्येय से जो है मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर के पढ़ाने लग गया। पढ़ाने लगने के साथ में धीरे धीरे 1-2 बच्चे से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जो है 140 करीब बच्चे मेरे पास में हो गए। फिर मैंने 1-2 अध्यापक वगैरह जो है ढूंढे। शायद ही पहली छत होगी जहाँ ज्ञान की सरस्वती से लेकर लक्ष्मी तक मौजूद है। जी मैं बात कर रही हूँ इन बच्चों के एक और मार्गदर्शक लक्ष्मी जी के बारे में। तो चलिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। मैं बिहार से आए हूँ और फतेहाल ज़िंदगी जीते हुए दिल्ली तक पहुँचा। आज भी उसी हालत में हम जी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों में उत्साह भर रहे हैं, बच्चों में जिज्ञासा भर रहे हैं पढ़ाई के प्रति कि हर बच्चों को में पढ़ाई होना चाहिए।
आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ कारनामा करने के लिए, उसके प्रति, देश के प्रति सोचने के लिए। यह शिक्षा का माहौल किसी भी वातावरण को बदलता है, बदल रहा है, और दुनिया आज विज्ञान के प्रति पूरी तरह से जुड़ गया है। हर बच्चों में यदि भावना विज्ञान के प्रति आ जाता है तो उस देश का विकास बहुत आसानी से होता है। यहाँ के जो संस्थापक हैं राकेश जी, उनकी एक ही शिकायत है कि उन्हें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ पर हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से और कोई संस्था वगैरह से किसी से भी मदद जो है नहीं मिली है आज तक। ये जो भी कोई सज्जन लोग आते हैं तो जैसे बैठने उठने के लिए कभी कभी फर्श वगैरह है, फ्लोर है, और जो है कॉपी किताबें, कॉपी वगैरह जो है, स्टेशनरी का सामान, कई एक लोग जो आते हैं धर्मालु होते हैं वो दे जाते हैं, अन्यथा वैसे कोई मनी वगैरह की कोई यहाँ पर जो है हेल्प नहीं किसी से मिल रही है, और ना मैं किसी के पास में गया भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शायद राजेश जी और लक्ष्मी जी इसी बात को अपनी जिंदगी में भी लागू करते हैं। युवा टीम की तरफ से इन दोनों को सलाम। Thank you.